हटा। घाव देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कत्ल के लिए कोई वजनदार चीज इस्तेमाल की गई हो। यस सर। कोई क्लू मिला? नो सर, लोगों से पूछताछ की लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं। लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, कल सुबह तक मुझे रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। यस सर। हो सकता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। क्या इन हाथों से? नहीं, डार्लिंग, हे क्या हुआ? लगता है फिर से तुमने कोई सपना देखा है। देखो डार्लिंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वो हॉरर किताबें पढ़ना छोड़ दो, वरना उन किताबों के सारे भूत प्रेत तुम्हारा ही पीछा करते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, आज पूरा दिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं। कुछ नहीं? You dare to say कि तुमने मुझे दिन में एक बार भी याद नहीं किया? किया ना। That's good, that's good. अच्छा ये बताओ, एक घंटा पहले तुम कहाँ गई थी? कहीं नहीं, घर पे तो थी। कमाल है, मैंने एक घंटा पहले फोन किया था, घर में कोई फोन नहीं उठा रहा था। The bell was ringing and ringing and ringing and ringing. मैं सो रही थी। सो गई थी? जल्दी? अरुण वो तुम नहीं थे ना? बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, इतनी आंकलित भी। ठीक है डार्लिंग, तुम सो लो। क्या है, मेरे वापस आने के बाद हमारे रातों को जाने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। Do you get me? ओके डार्लिंग, देखो दिल तो नहीं कर रहा है फिर भी फोन रखना ही होगा। सी यू, बाय, गुड नाइट। सुरेश। यस सर। मक्तूल के बारे में कुछ पता चला? नो सर, होटल के रिसेप्शन से यही पता चला कि मक्तूल दिल्ली से आया था, लेकिन किस लिए आया था, क्यों आया था, इसका कुछ पता नहीं चल सका। बड़े ही ताजुब की बात है, एक आदमी दिल्ली से आया और यहाँ के होटल में ठहरा, और उस होटल के स्टाफ को उस आदमी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम ही से इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? मेरे ख्याल से तो हमने कोई भी ऐसा पॉइंट मिस नहीं किया जिससे हम कातिल तक ना पहुंच सकें। खैर, इस केस के बारे में दोबारा तुम ठीक से स्टडी करो, हो सकता है हमें कोई ऐसा क्लू मिल जाए जो हमें कातिल तक पहुंचाने में मदद करे।